कहा था कि 15 लाख आएंगे बैंक खाते में, 100 दिन में काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, दुश्मन के एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, महंगाई को कम कराएंगे, पेट्रोल डीजल गैस और वो के सिलेंडर को तो खुशहाल कर दिए हमने, मैं किसान खुशहाल कर दिए, मेरे को जवाब देने जी, पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर को सस्ता करवाएंगे, किसान के लिए स्वामीनाथन लागू करके उसका 1.5 गुना 2 गुना फसल का भाव करवाएंगे। हम जब सवाल पूछते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, ये कहते हैं कि जब हम तारीख क्यों बताएं, हमका तारीख बताओ, बोला हमने राम मंदिर की तारीख नहीं बताई तो इन वायदों की क्यों बताएं। 70 साल में आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 70 साल में गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 70 साल में किसान पे उसका जो कर्ज का भार है 8 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ दुगना 5 साल की सरकार में नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 70 साल में निवेश दर अर्थव्यवस्था में इतना नहीं गिरा जितना आपकी सरकार में, 70 साल में बेरोजगारी का दर इतना नहीं बढ़ा जितना आपकी सरकार में, 70 साल में भाईचारे पे इतना हमला नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, और 70 साल में झूठ इतना नहीं बोला गया जितना आपकी सरकार में। सत्तर सालों में होगा भाजपा को जाना होगा।